हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपीरियंसेस इन शॉर्ट्स। आई एम संगीता एंड आई प्रिपेयर अ लॉट ऑफ वीडियोस रिलेटेड टू ट्रैवल, लाइफस्टाइल, होम, फैशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। If you are new to my channel and you haven't subscribed to my channel yet, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get all the notifications on time. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। In today's video, we are going to do a transformation of this empty room. तो सबसे पहले मैं आपको इस empty room का एक tour देने वाली हूँ। Then we will start doing the makeover together. But before that, let me tell you from where I got all these products. I have ordered all these products from Amazon at a very very affordable price. और मैंने इस पे एक हॉल वीडियो भी बनाया है। मैं ये हॉल वीडियो का लिंक डाल दूंगी इस आई बटन में। इफ यू आर इंटरेस्टेड ऑन बाइंग एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड देयर यू विल फाइंड ऑल द लिंक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो दिस इज द रूम जिसका मैं मेकओवर करने वाली हूँ। यहाँ पे बस एक बेड है और मैंने बाकी सारा फर्नीचर यहाँ से रिमूव कर दिया है। आई हैव रिमूव द बेडशीट, द कर्टन्स, एवरीथिंग फ्रॉम दिस रूम। So this room is totally blank now and we will be doing the makeover step by step. So before going ahead with any kind of room transformation, it is very important that we have a theme in mind. अगर हमारे माइंड में थीम है, हम जो चीजें चूज कर रहे हैं टू यूज फॉर द मेकओवर और वी आर बाइंग एनी ऑफ द थिंग्स, इट बिकम्स वेरी कोऑर्डिनेटेड। माई थीम इज अ फेस्टिव लुक एज वेल एज अ बोहो लुक। तो मैंने ये दो लुक को पुट टुगेदर करके एक फ्यूजन सा बेडरूम मेकओवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात कर रहे हैं बेडरूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड प्लान इज द बेड कवर, क्योंकि बेडरूम का जो मास्टर पीस होता है दैट इज ऑफकोर्स द बेड। और हमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करना चाहिए इस बेड से, बिकॉज दिस ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द बेडरूम। टू बिगिन विद द ट्रांसफॉर्मेशन, मैं एक सॉलिड ऑरेंज बेड कवर यूज़ कर रही हूँ जो कि एक फेस्टिव वाइब ऐड कर रहा है इस रूम को। दिस कलर एड्स सो मच ऑफ फ्रेशनेस, हैप्पीनेस एंड फेस्टिविटी टू दिस रूम। अगर आप अपने बेडरूम को एक मेकओवर देना चाहते हो, द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू चेंज द बेड कवर। इट इमीडिएटली चेंजेस द लुक एंड फील ऑफ द एंटायर रूम। तो नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ एक बेड रनर। सो ये एक देसी जुगाड़ मैंने यहाँ पे किया है। आई एम यूजिंग माई वाइब्रेंट येलो फुलकारी दुपट्टा हियर एज अ बेड रनर और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टू दिस कलर एंड टू द थीम दैट आई हैव प्लान फॉर दिस रूम। अगर आपके पास ऐसे कुछ फुलकारी दुपट्टे या बनारसी दुपट्टे हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट एज अ बेड रनर एंड ट्रस्ट मी, इट एड्स अ लॉट ऑफ फेस्टिविटी टू योर रूम। क्योंकि आई हैव एडेड अ लॉट ऑफ वाइब्रेंट कलर्स टू माई बेड, आई एम यूजिंग अ शेयर ऑफ वाइट कर्टन दैट न्यूट्रलाइजेज द वाइब्रेंस एंड एड्स एलिगेंस एंड ब्राइटनेस टू द रूम। ऑल्सो आई एम एडिंग अ प्लान टू द कर्टन रेल फॉर सम फ्रेशनेस एंड टू एड सम ग्रीनरी। This plant adds so much of freshness and life to this room. Next, मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फेरी लाइट्स ओवर द बैक वॉल ऑफ माई बेड। फ्रॉम चाइल्ड हुड फेरी लाइट्स आर सो डियर टू माई हार्ट, इट मेक्स एवरीथिंग फील सो ड्रीमी एंड मेस्मराइजिंग। अब ये फेरी लाइट्स हो गए हैं तैयार और मैं इनको मेरे बेड के पीछे का जो वॉल है वहाँ लगा दी हूँ। द एंटायर बेडरूम मेकओवर इज़ वेरी रेंटल फ्रेंडली, आई हैव नॉट यूज्ड एनी ड्रिल्स एंड नेल्स हियर। नेक्स्ट इज़ दिस एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल मैक्रमे बोहेमियन ड्रीम कैचर। इट एड्स अ बोहेमियन टच टू दिस रूम एंड गोज सो वेल विद द कलर थीम ऑफ दिस रूम।
नेक्स्ट मैंने एक साइड टेबल प्लेस किया है यहाँ पे. ऑन द साइड टेबल आई हैव केप्ट अ फोटो फ्रेम, अ टेबल लाइट, वाटर बॉटल एंड अ यूटिलिटी ट्री. जब हम मेकओवर प्लान कर रहे हैं वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन मेकिंग द प्लेस यूजेबल एंड फंक्शनल. दिस रूम लुक्स सो कम्प्लीट एंड ब्यूटिफुल नाउ. जस्ट अबव द साइड टेबल ये वॉल मुझे थोड़ा सा ब्लैंक लग रहा था. सो टू एड अ कैरेक्टर टू दिस रूम आई हैव यूज्ड अ वेरी कलरफुल फिश वॉल हैंगिंग विच हैज़ सम वाइब्रेंट पॉम्पॉम डिटेल्स एंड शेल्स. दिस कम्प्लीट्स द वॉल एंड गिव्स अ टच ऑफ बोहेमियन लुक टू दिस रूम. Just look at the cozy vibe this room has. Everything is just so perfect and this room gives so much of good vibes all around. In addition to this, I wanted to create a cozy reading corner. So I have used the sitting chair pads and I created a low sitting study corner. I have placed some colorful throw pillows for comfort. I will be using a foldable study table and my study area is ready. This place is just perfect to relax, read, and sip a hot cup of coffee. To add some character to this place, I have used some fairy lights in the backdrop. Now it's time for the final reveal, guys. This room looks so perfect. Everything in the room complements each other so well. I am really glad that all the items look so coordinated and I feel as if they were made to be together in this room. The room is ready as per the fusion theme plan. This is completely budget friendly and rental friendly. This room is filled with a lot of happiness, positivity, and good vibes. That's all I had for today's video. I hope you liked this video. If you liked this video, don't forget to give a thumbs up and also subscribe to my channel Experiences in Shorts. Thank you so much for watching my video. Take care and see you soon in my next video. Bye!